वेलकम स्टूडेंट, पेज नंबर 199 और उसका छोटा सा टॉपिक 10.7 जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये फ्लक्स क्या होता है, ये क्या होता क्या है, इसका फीलिंग क्या है फ्लक्स का। तो भाई देखो, इससे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पढ़ाया। मैंने क्या बताया कि भाई मान लीजिए आपके पास ये लाइन्स जा रही है, तो इस तरह की लाइन्स को मैंने क्या कहा था, इस लाइन्स को मैंने कहा था जिनकी डायरेक्शन सेम हो, जिनकी डायरेक्शन सेम हो और इनके बीच का गैप इक्वल हो, तो इसे मैंने यूनिफॉर्म फील्ड कहा था। कौन से फील्ड कहा था, यूनिफॉर्म फील्ड कहा था, बराबर है। अब सोचो बेटा, अगर ये किसी सरफेस से जाती थी, ये सरफेस ऐसा है और इससे ऐसी जाती थी 90 डिग्री एंगल पर, तो ये रहा सरफेस आपके पास में जो आपने बना दिया और इससे 90 डिग्री एंगल पर लाइन जा रही है, ठीक है ना। तो इन लाइंस को जो सरफेस के साथ में 90 डिग्री एंगल पर जा रही है क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब जो लाइन सरफेस से कितने एंगल बनाएगी, 90 डिग्री एंगल बनाएगी, उन लाइंस को क्या कहा जाएगा, तो उन लाइंस को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाएगा। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होगा, जैसे ये लाइन जा रही है तो क्या हमेशा ऐसा होगा कि सरफेस 90 डिग्री एंगल बनाएगा। जैसे मान लीजिए सरफेस ऐसा होता, तो क्या ये सरफेस जो आपके सामने दिख रहा है ये लाइन से 90 डिग्री एंगल बना रहा है, नहीं बना रहा है। तो ये सरफेस है जो सर्टेन एंगल पर है, और ये सरफेस देखिए ध्यान से, ये रहा सरफेस। सरफेस का ये जो कहला रहा है, दिस इज नॉर्मल। तो एक नॉर्मल इस तरफ, एक नॉर्मल इस तरफ, बराबर। तो ये रहा सरफेस का नॉर्मल, ये रहा सरफेस से नॉर्मल। अब सुनना ध्यान से, ये नॉर्मल और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए दोनों क्या है, सेम है। तो जब सरफेस नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सी लाइंस कहलाएगी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगी वो लाइंस जो नॉर्मल के अलोंग है। लेकिन किसके नॉर्मल के अलोंग, सरफेस के नॉर्मल के अलोंग है। तो देखिए, ये रहा सरफेस, मैंने इसका नॉर्मल बना लिया, मान लीजिए नॉर्मल है, ये रही लाइंस जिसके बीच में एंगल थीटा है, सरफेस का मैग्नीट्यूड मान लिया डीएस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए सरफेस है, ये रहा इसका नॉर्मल, ऐसा भी समझ सकते हैं, और मान लीजिए ये रही इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, एंगल थीटा है। तो डीएस सरफेस से वो लाइन चाहिए जो परपेंडिकुलर हो, या लाइन से वो सरफेस चाहिए जो लाइन से परपेंडिकुलर हो। तो दोनों बातें एक ही है, या तो सरफेस परपेंडिकुलर हो लाइन से, या लाइन परपेंडिकुलर हो सरफेस से। तो आइए लाइन को परपेंडिकुलर किया जाए सरफेस के। तो ये रहा आपके पास में ई, ये रहा परपेंडिकुलर, जिसे मैं एक्स कह रहा हूं और यहां पर वाई कह दे रहा हूं, ये एंगल थीटा समझ लीजिए। थीटा के सामने आपके पास में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। तो वापस चेक कर लीजिएगा, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेसिकली ई एक्स इज नथिंग बट मॉडी कॉस थीटा। तो ये वो लाइंस है जो नॉर्मल के अलोंग है, देखो ई कॉस थीटा। जो लाइन नॉर्मल के अलोंग है वो सरफेस से परपेंडिकुलर है, और सरफेस से जो लाइन परपेंडिकुलर है उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या डिफाइन कर रहे हैं, कि छोटे से सरफेस से परपेंडिकुलर लाइन जो पास हो रही है वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहला रहा है। तो मॉड ई मॉड डीएस कॉस थीटा, इसे कहा जा सकता है डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीएस, इसे ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है ना बेटा, डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। आप चाहें तो डी फाई का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, डी फाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको फाई मिल जाएगा। सपोज आई हैव टेकन इंटीग्रेशन, तो ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर दैट विल बिकम फाई ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर क्लोज इंटीग्रेशन। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लो ऐसा हो गया भाई, ये लाइन ऐसी जा रही है तो थीटा कितना हो गया, बोलो भाई थीटा कितना हो गया, नॉर्मल के अलोंग गए तो थीटा जीरो हो गया। तो थीटा एंगल किसके बीच का होता है, सरफेस के नॉर्मल, सरफेस का नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कहलाता है थीटा। तो पहला केस ले लीजिए, थीटा जीरो हो गया, अगर थीटा जीरो हो गया तो कॉस जीरो कितना आएगा, तो थीटा जीरो होने पर कॉस जीरो प्लस वन आएगा, थीटा जीरो होने पर कॉस जीरो कितना आएगा, प्लस वन आएगा। तो केस फर्स्ट हम ले लेते हैं, थीटा जीरो कॉस जीरो प्लस वन, प्लस वन कौन सी वैल्यू है, तो प्लस वन आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है, तो फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू दैट विल बिकम मॉड ई मॉड डी एस कॉस जीरो, फ्लक्स कैन बी रिटर्न मॉड ई मॉड डी एस। केस सेकंड, थीटा 90 डिग्री,
कॉस 90 जीरो, फ्लक्स मॉड ई मॉड डी एस कॉस 90, कॉस 90 जीरो जीरो। केस थर्ड, थीटा 180 कॉस 180, कॉस 180 माइनस वन, माइनस वन को कहते हैं मिनिमम, मॉड ई मॉड डी एस और कॉस 180, फ्लक्स विल बिकम माइनस मॉड ई मॉड डी एस। तो हम क्या कह सकते हैं, फ्लक्स में भी पॉजिटिव, फ्लक्स में भी नेगेटिव, फ्लक्स में भी जीरो। तो तीन तरह का फ्लक्स हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो फ्लक्स हो सकता है। अच्छा, जीरो फ्लक्स की कंडीशन समझते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ जीरो फ्लक्स। भाई सरफेस ऐसा है और लाइन्स ऐसी है, तो लाइन्स पैरेलल टू सरफेस है, पैरेलल टू सरफेस है, तो सरफेस से पास हो रही है क्या? भाई लाइन्स ऐसी जा रही है तो सरफेस से पास हो रही है क्या? सरफेस से पास नहीं हो रही है, लाइन्स ही पास नहीं हो रही, तो फ्लक्स कहां से होगा? फ्लक्स तो जीरो हो गया ना, तो फ्लक्स की यूनिट भी निकाली जा सकती है। फ्लक्स की यूनिट कैसे निकाल सकते हैं, तो ई मल्टीप्लाई बाय, समझिए डीएस है तो ये वोल्ट पर मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर, तो फ्लक्स को सीधे सीधे लिखा जा सकता है वोल्ट मीटर, फ्लक्स कैन बी रिटन वोल्ट मीटर, दिस विल बी द यूनिट ऑफ फ्लक्स। पुरोहित एकेडमी मेन ब्रांच प्रभात चौक एमजे कॉलेज रोड लोकमान्य हॉस्पिटल बाजूला जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ बंधन बँकेशेजारी ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर जळगाव।